दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही शानदार वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों आप लोग घर बैठ करके बस एक लैंग्वेज को सुन करके, जैसे कि आपको इंग्लिश को सुन करके उसको दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये आपका काम रहने वाला है। बेसिकली गाइस आपको ट्रांसलेशन का यहाँ पे काम करना है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में दूसरे पार्टी को आपको समझाना, ये यहाँ पे काम करना है। जिसके लिए गाइस कंपनी आपको 5.33 LPA की पैकेज भी देने वाली है। ऑलमोस्ट गाइस 44,000 रुपए की आपको सैलरी पैकेज मिलने वाली है। और इसके बाद दोस्तों अगर आपका एजुकेशन जो है 12वीं पास है तो भी दोस्तों आप 100% अप्लाई कर सकते। और गाइस इसके अलावा यहां पे बस दोस्तों 5 दिन काम है, 2 आपका वीक ऑफ रहने वाला है। तो इन शॉर्ट गाइस बहुत ही शानदार वर्क फ्रॉम होम जॉब की अपडेट है। बेस्ट पार्ट दोस्तों यहां पे आपको HR के ईमेल ID मिल रही है। तो गाइस मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं कैसे आपको यहां पे अप्लाई करना है, दोस्तों क्या मेल करना है, किस तरीके से मेल करना, मेल में क्या लिखना है वो आप ढंग से समझ लेना, उसके बाद ही गाइज अप्लाई करना। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन इंडिया की जॉब भी रहने वाली है। और दोस्तों जो कंपनी गई जिसका नाम है डेटा मार्क गई, जो कि बहुत ही शानदार दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके जो क्लाइंट है ये दोस्तों फॉर्च्यून 100 सारे क्लाइंट इनके, मतलब कि इनके अंदर आप अमेजॉन, गूगल, मेटा, आप कोई एक नाम उठा लो टॉप कंपनी की, वो सारे गई इनके क्लाइंट रहने वाले। तो उनके लिए बेसिकली आप घर बैठ के यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार दोस्तों अपडेट है, स्पेशली यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है क्योंकि ईमेल आईडी मिली, तो तरीके से कैसे मेल करना है और रिज्यूम थोड़ा कैसे चेंज करना वो पार्ट समझ के ध्यान से अप्लाई कर लेना। पर साथ साथ दोस्तों जल्दी से चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ध्यान से गाइस इसको लाइक करना दोस्तों, और बहुत ही शानदार अपडेट है तो इसको शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ मत भूलना। सो हाँ जी दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी आपको यहाँ पे हायर करी इसका नाम रहने वाला डेटा मार्क INC, जो कि दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत ही गई शानदार, क्या बोल रहा है दोस्तों, एक आउटसोर्सिंग की ऑफसोर्सिंग कंपनी है। दोस्तों यहाँ पे 1,000 से 5,000 इंप्लॉइज काम करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे इनके वेबसाइट ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी दोस्तों, दिस इज 1989 में, ये मतलब ये ऑलमोस्ट गई आपको 11 और 24 तकरीबन दोस्तों 35 साल से पुरानी कंपनी आपकी रहने वाली है। और यहाँ दोस्तों आपको ये लोग हायर कर रहे, एक तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर जॉब है और एक दोस्तों आपका इंडियन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जॉब है। तो 2 आपको यहाँ पे बेसिकली आपको ट्रांसलेशन का, इंटरप्रेटर का आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कई सैलरी देख सकते, क्या बोलना है आपने कि जो सैलरी है 5.33 LPA, तो अगर आप इसको, अगर आप 5,33,000 को डिवाइड करेंगे 12 महीने में तो 44,416 रुपए की CTC आपकी बनने वाली है। तकरीबन 41,000 रुपए हर मंथ आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा। और काम में करना आपको बस यहाँ पे इंग्लिश भाषा सुन करके उसको हिंदी में या फिर कुछ लोकल भाषा में आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना, ये काम रहने वाला है। और गाइस क्या बोलना है, फुल टाइम दोस्तों वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों 5 दिन काम है, 2 हफ्ते में रोटेशनल ऑफ भी रहने वाला है। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे गाइस आपको ऑन टाइम पे मिलने वाला, मेडिक्लेम भी मिलने वाला साथ में आपको, मतलब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इंश्योरेंस भी मिलने वाली है। और साथ साथ गाइज आपको और भी बहुत सारे यहाँ पे इंसेंटिव मिलने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन आप यहाँ पे कैसा काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलना है, यहाँ देख सकते क्या बोलना है कि यहाँ पे दोस्तों अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको हिंदी भाषा मिल रहा, देख सकते हैं लेट यू नो द लैंग्वेज कहाँ पे, ये रहा हिंदी, हाँ जी, तो उर्दू, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, हिंदी हो गया ऑलरेडी, उर्दू साथ में चाहिए अगर आपको, मतलब गाइस इंग्लिश के साथ में हिंदी या उर्दू या गुजराती या पंजाबी, और अगर यहाँ पे भी ओपन कर ले तो यहाँ पे ठीक है, तो सेम भाषा गाइस हिंदी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, मतलब इनमें से कोई भी भाषा आता है, ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग को हिंदी आता ही होगा, पर अगर आपको पंजाबी आता है तो प्लीज़ आप पंजाबी भाषा के लिए अप्लाई करना, अगर आपको गुजराती आता है तो प्लीज़ गुजराती के लिए अप्लाई करना, और अगर आपको उर्दू आता है तो प्लीज़ आप लोग उर्दू के लिए प्रायोरिटी यहाँ पर देना। और साथ में गाइस आपको डिसेंट इंग्लिश आना, मतलब बेसिकली ये है कि आप ढंग से समझ पाते हो, ढंग से बात भी कर पाते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको कल्चरल के, मतलब जो कल्चरल बेसिकली लैंग्वेजेस होते हैं, बातें होते हैं वो आपको ढंग से आता है यहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट फॉर बोथ लैंग्वेज, मतलब कि आप दोनों भाषा को तरीके से समझ पाते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप में एक्सीलेंस लिसनिंग स्किल है, तरीके से आपको नोट लिखना आता है और वर्बल जो काम है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं, आप फास्ट पेस में काम कर सकते हैं दोस्तों, मल्टीपल टास्क आप साथ में कर पाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रीवियस एक्सपीरियंस इंटरप्रेटर, और ये अगर आपने पहले ऑलरेडी काम करा तो प्रायोरिटी मिला, पर दोस्तों बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, स्ट्रांग एथिकल, तो ये सब गाइस बेसिक डिटेल रहने वाला है।
दोस्तों एजुकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आएंगे देख सकते हैं, क्या बोल रहे ना कि हाई स्कूल डिग्री और इक्विवेलेंट, अगर आप 12वीं पास भी यहाँ पे हैं या ग्रेजुएटेड, सारे गाइस 100% यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कई जॉब रोल में क्या करना है कि आप क्या दोस्तों बोल रहे हैं कि renders correct concept and meaning between language and English following complexity, clarity, tone and style from one language to another, upholding the correct rule for grammar and, मतलब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, for example किसी की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे एक इंग्लिश वाला बंदा है और एक बंदा जो हिंदी में बात करता है, तो हिंदी वाले को इंग्लिश समझ में भी नहीं आती है, तो इंग्लिश वाले की बात को आपको समझ करके उसी लैंग्वेज में, मतलब उसी इमोशन के साथ, उसी टोन के साथ सारे डिटेल को आपको एक्सप्लेन करना, थर्ड पार्टी को यहाँ पे काम रहने वाला है। अब भाषा में भी उर्दू भी हो सकती है, गुजराती भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, तो इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को इंग्लिश को सुन करके उस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना, थर्ड पार्टी को, यही आपको यहाँ पे काम रहने वाला है। ऑब्वियसली गई इस काम की बेसिक ट्रेनिंग आपको ये लोग देने वाले, बाकी आप समझ रहे थे क्या बोल रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करनी है स्ट्रिक्ट रेंडिशन ऑफ द मैसेज इंक्लूडिंग एवरी डिटेल ऑफ द कॉन्वर्सेशन, मतलब ऑब्वियसली गाइस आपको जो बात चल रही है उसके हर एक डिटेल को आपको तरीके से शेयर करना है यहाँ पे, और क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज गुड कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन, मतलब ऑब्वियसली गाइस आपको अगेन एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट की सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना, अच्छा प्रोनाउंसिएशन देना है, प्लीजेंट तरीके से बात करना, आपकी आवाज़ भी अच्छी होनी इंपॉर्टेंट रहने वाली यहाँ पे, और क्या बोल रहे हैं कि फॉलो इंस्ट्रक्शन फॉर क्लाइंट मैनेज एंड फ्लो ऑफ द कॉल, अगेन दोस्तों सारा काम गाइस ये कॉल और बात के रिगार्डिंग ही रहने वाला है कि आपको जिस तरीके से वो बता रहे हैं उसी तरीके से उसी इमोशन के साथ कंप्लीट डिटेल के साथ आपको थर्ड पार्टी को बताना, ये काम रहने वाला है, और मेक श्योर करना कि यू आर पोलाइट, यू आर टॉकिंग देम विद अ गुड मैनर, तो ये सारे चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब भाई सीधा यहाँ पे बात करते हैं कैसे आपको देखो दोस्तों अप्लाई होगा, अप्लाई करने के लिए एक तो आप यहाँ से इजी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से इजी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे कहीं जॉब आ रही है तो आपको नीचे आना है और अप्लाई फॉर दिस जॉब करना, आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे अपना लिस्ट, मैं अपना खुद ही रिज्यूम अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ दोस्तों हमने रिज्यूम अपलोड कर लिया, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नाम आ गया, हम ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, और ईमेल आईडी के बाद ये हमसे हमारे कोई फोटो भी पूछ रहे हैं, तो ये ऑप्शन लगाइए, बट आई वुड से कि एक फोटो प्लीज आप लोग डाल देना यहाँ पे, यहाँ दोस्तों आपको कर देना इंडिया, हमारा इंडिया यहाँ पे आ गया, और यहाँ नंबर डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एज पूछ रहे तो वो एज आपको एज कर देना है, एड्रेस आप डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको, कई सारे डिटेल मेरे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे गई समरी में क्या करना है, बता सकते अपने बारे में कि एग्जैक्टली आपका क्या डिटेल्स है, आपका क्या एजुकेशन है, या क्यों आप इस रोल के लिए फिट हो डाल सकते, अगर दिस इज ऑप्शन दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कवर लेटर गई डाल देना आपको दोस्तों, मैं आपको कवर लेटर और साथ में ईमेल क्या करना है, दो चीज़ें जो है ना वो टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप उसको कॉपी करके चेंज करके यहाँ पे डाल देना, मेनली गई कैसे मेल करना वो मैं आपके बताने वाला हूँ, तो ये एंटर करना है, सैलरी का डिजाइन वो डाल देना आपको यहाँ पे, ये करके आप यहाँ पे यस करके सबमिट कर सकते हैं, तो मैं गाइस फिल करके आपसे आगे मिलता हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, हमारा जो फॉर्म में फिल हो चुका है, हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ पा चुका है। अब दोस्तों मेनली यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैसे आपको गाइस देखो मेल करना हो, तो दोस्तों मेल करने के लिए गाइस ये ईमेल आईडी है दोस्तों, इस ईमेल आईडी पे मैं आपको देने वाला हूँ एग्जैक्टली क्या ईमेल करना है, तो उस ईमेल को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसको कॉपी करके बेसिक चेंजेस करके आपको तरीके से इनको ईमेल करना है। सेकेंड ऑफ ऑल गाइस आपका जो रिज्यूम दोस्तों प्लीज उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो देख सकते हैं गाइस प्लीज यहाँ पे अगर आप एक काम कर सकते हैं, आप जैसे गूगल पे यहाँ लिख सकते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज, तो यहाँ पे दोस्तों स्किल का ऑप्शन आ चुका है देख सकते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कल्चर कॉम्पिटेंस, ये सब गाइस आपके प्लीज मतलब ये सारे जो कीवर्ड्स है ना ये आपके रिज्यूमे दोस्तों होने इंपॉर्टेंट है, थोड़े से उसमें चेंजेस कर देना आप लोग प्लीज, तभी आपका रिस्पॉन्स आएगा। और सेकेंड ऑफ ऑल जो दोस्तों मैं दूंगा आपको प्रॉपर एक ईमेल, उसको आप थोड़े चेंजेस करके इनको मेल कर सकते हैं, ये दो काम भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, मेल ढंग से आपको करना है और उस मेल पे आप बैक टू बैक इनसे फॉलो भी कर सकते हो। तो इसके अलावा क्या यहाँ पे देख सकते हैं ये जॉब दोस्तों किसने शेयर करके आई शो यू, ये रहा हाँ जी, तो ये राहत शेख ने जॉब पोस्ट कर रखा, तो आप प्लीज़ गाइस इनके प्रोफाइल को चेक कर लेना। यहाँ पहले आपको क्या करना है, आपको जाना कनेक्ट और यहाँ पे आपका जो मैसेज है वो डाल करके यहाँ पे आप इनको सेंड कर सकते हैं, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों करना कि आपको यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं इनको, और नीचे गाइस आप आएंगे तो आई एम श्योर यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे इन्होंने पोस्ट कर रखे हैं, तो वैसे इनका आपको ऑलरेडी मेल मिल चुका, आई थिंक इनका ही मेल है ये, वन सेकेंड, तो ये जो मेल है ये इनका ही रहने वाला है, ये रहा ना, हाँ हाँ जी ये रहा सॉरी, तो ये इनका मेल है, अनिकिता सिंह का मेल है, और ये कोई और है, तो राहत सिंह अलग है, तो इनको से एक अलग है, तो इनको भी गाइस करना कि आपको इनको भी मेल कर देना आप लोग,
तो इनका ईमेल आईडी जो है वो हमें ढूंढना थोड़ा पड़ जाएगा। मुझे इनका ईमेल आईडी मिल गया ना तो मैं गाइस हाँ जी रहा चेक। तो गाइस मैं आपको दो ईमेल आईडी दे दूंगा, प्लीज गाइस दोनों ईमेल आईडी पे तरीके से आप लोग मेल करना, अलग अलग चाहे या एक साथ मेल कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मेल आपको ढंग से करना है। बाकी आप इनको लाइक करके आप यहाँ कॉमेंट कर सकते हैं कि हाई मैम आई हैव अप्लाइड फॉर दिस प्रोफाइल, आई डू हैव एक्सपीरियंस और आई डू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो ऐसे गाइस करके तरीके से इनको आप मैसेज डाल सकते हो, तभी आपको रिस्पॉन्स आ पाएगा। तो ये थे गाइस आज की शानदार अपडेट दोस्तों। अगर आप तरीके से इनको अप्लाई करते हैं, ढंग से फॉलो करते गाइस, बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, बहुत अच्छा रोल भी है ये, तो काफ़ी अच्छी आपको एक रिमोट जॉब यहाँ पर मिल सकती है दोस्तों। अब देखो कंप्लीट डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पर फॉलोअप तरीके से करते हैं और कितनी शिद्दत से आप यहाँ अप्लाई करते हैं, तभी आपके यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा। तो ये थे दोस्तों शानदार से वीडियो, आशा करता हूँ गाइस आप लोग इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। आप अभी से दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड टेक केयर प्लीज़।